thank you assalamualaikum कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद खैरियत से होंगे तो चले आपको दिखाती हूँ कि पाकिस्तान में जब हम गए तो हमारी किस किस तरह से दावत हुई तो ये दावत जो आप देख रहे हैं थैंक यू सो मच अदनान भाई और इर्सा भाभी ये मेरे भाई और मेरी भाभी ने हम लोग की दावत की थी और ये उसका ये आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है अरेंजमेंट उन्होंने किया था और इस्पेशली जो है भाई पेशावर से अपनी जॉब से ऑफ़ ले करके आए थे हम लोग के लिए क्योंकि उनको मंथ में एक दफ़ा ऑफ मिलता है तो वो स्पेशली लेके आए थे क्योंकि हम लोग बहुत कम दिनों के लिए गए थे बहुत अच्छी दावत थी बहुत अच्छा अहतमाम था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था मेरे इन लॉज को भी मेरे इन लॉज़ भी इन्वाइटेड थे और हम लोग भी थे सारे तो एक ये मतलब फैमिली यूनियन हो जाती है और ये हो जाता है कि खाने का खाना इतना मैटर नहीं करता लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रजेंट किया था बहुत अच्छे तरीके से ये बहुत मैटर करता है जिस रिस्पेक्ट से उन्होंने इन्वाइट किया तो ये जो है ये जो दावत गुजरी है ये जो मैंने वीडियो में दिखाई है ये मेरे अबू और अम्मी की तरफ से लंच था बहुत ही डिलीशियस सा लंच और अम्मी के घर जब भी अबू अम्मी की तरफ़ जाना हो वो तो आपको पता ही है मैके में दावत हो ही जाती है वो फ़ौरन फ़ौरन कोई ना कोई ये तमाम कर ही लेते हैं तो बेसिकली ये जो हमारी दावत थी बड़ी क्विक सी दावत थी जब हमने इनको जा के सरप्राइज़ दिया था कि हम लोग पाकिस्तान आ चुके हैं तो फौरी फौरी फिर इन्होंने मेरी बहनों को कॉल करके और उनको फ़ौर बुलाया था और बहनों ने फ़ौर से वो फ़ौर फ़ौर किचन में चली गई तो मैं उनसे यही कह रही थी कि आप लोग जो है बजाय इसके कि हम लोग के साथ टाइम स्पेंड करें आप लोग किचन में चली गई हैं बहरहाल बहुत अच्छा सा अहतमाम था सब ने मिल के बहुत अच्छा सा ए, एक लंच अरेंज किया था और मेरी भाभी ने और मेरी बहनों ने थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया बेसिकली जो है दावत में ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है आपस में जब मिल के बैठते हैं तो मकसद ये होता है कि आप इंजॉय करते हैं और एक आपकी मेमरी बन जाती है और ये जो है ये बहुत अच्छी सी एक पार्टी की ताहिर भाई ने और सोनिया ने थैंक यू सो वेरी मच ताहिर भाई और सोनिया जो आपने इतना एहतमाम किया और इतने अच्छे से आपने अरेंज किया था सब बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था क्योंकि आपको पता है कि ये सारी जो जितनी भी आपको नज़र वीडियो में आ रहा होगा ये बच्चों की फेवरेट फूड है और बच्चे बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे थे कि कैसे स्टार्ट किया जाए तो बहरहाल थैंक यू सो मच अल्लाह आपके रिस्क में भी इजाफा करे और अल्लाह आपको भी खुश रखे बहुत कम टाइम हमने वहाँ पर स्पेंड किया लेकिन दोनों तरफ़ की फ़ैमिलीज़ ने इसको यादगार बनाने की बहुत कोशिश की और ये है मेरी जान मेरी असल पहचान मेरे वाल साहब मेरे अबू जान और ये जो है मीनस के थोड़ा सा इनका पाँव का इशू चल रहा था फ्रैक्चर हुआ हुआ था तो इस वजह से मोस्टली जो है ये रेस्ट ही करते हैं तो इस वजह से हम लोग बस वेट कर रहे थे कि जैसे ही वीडियो बने तो हम सब जो है मिल के इन्जॉय करते हैं और घर की रौनक जो होती है वो ऑब्वियसली अम्मी अबू से ही होती है और सारे बहन भाई जब मिल के हों तो ये एक आपके पास बड़ा गोल्डन चांस होता है तो मैं और रिदा चूँकि दुबई में रहते हैं तो हमारे लिए ये जो है इन वहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल होता है रिदा तो फिर भी गई थी लेकिन मुझे ये था कि हम लोग तकरीबन साढ़े चार साल हो चुके थे हम लोगों को और अमल और मोहम्मद की बर्थ भी यहीं पे हुई थी तो मेरे इन लॉज के लिए और मेरी फ़ैमिली के लिए एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ भी था और क्योंकि बिल्कुल ही ये एक्चुअल सरप्राइज़ था जो टिल द एंड हमने किसी भी दोनों तरफ फैमिलीज़ को कोई भी हमने आइडिया नहीं होने दिया था जैसे ही डोर खुले दोनों तरफ से और ये मैं आपसे स्टोरी एक प, आ, शेयर करूँगी एक अलग से बना के कि उनका क्या रिएक्शन था तो ये जो है ये अबू अम्मी की तरफ से तिक्का पार्टी थी बारबी क्योंकि बेसिकली वो इसका मतलब दूसरी तरह से बनाना चाह रहे थे लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि बारबी क्यों कर लेते हैं और अदील जो हैं यहाँ पर वो थोड़ा सा हेल्प आउट कर रहे हैं क्योंकि उनको ये था वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह करते रहते हैं तो उन्होंने कहा नहीं मैं करूँगा तो वो अपने शौक़ से बैठे हुए थे कि नहीं थोड़ा सा मैं हेल्प आउट करता हूँ तो अभी यहाँ पे जो है तिक्का बिल्कुल रेडी है और सही स्पाइसी वाला बनाया था क्योंकि रिदा ने मुझे बोला था कि थोड़ा स्पाइसी वाला ही बनाना मसाले सारे मैंने खुद ऐड किए थे क्योंकि सब कह रहे थे कि अब बहुत ज़्यादा आपके जो है वो तिक्का की तारीफ़ होती है बारबेक्यू क्योंकि तो आप ही इसमें ऐड करेंगी तो इसलिए जो सारा प्रिपरेशन वगैरह थी वो सारी मैंने इसको मसाले वगैरह लगा के रख दिए थे और फिर जो है पार भी क्यों कर दिया था बेसिकली घर पे ही कर लिया था क्योंकि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी घर पे अब जो अबू लोगों का सहन है वो काफ़ी बड़ा है तो इसमें जो है इजीली इस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ वगैरह की जा सकती हैं तो इस वजह से फिर यहीं पे ही हम लोगों ने कर लिया था इसके लिए स्पेशली इस हमें बाहर नहीं टिक्का एक ऐसी चीज़ है जो सभी बहुत खुशी से खाते हैं और बड़े अच्छे से इन्जॉय करते हैं और दावतों का जो असल मज़ा होता है वो टिक्का पार्टी में भी होता है तो इसलिए फिर ये प्रिपेयर किया था और ये जो है रिदा ने हालांकि हम उसको मना कर रहे थे कि तुम भी हमारे साथ ही आई हो तुम्हें ज़रूरत नहीं है लेकिन उसने स्पेशली जो है उसने कहा नहीं आप लोग ऐसे कैसे, कैसे हो सकता है कि आप लोग आओ और स्टूडेंट बिरयानी ना खा के जाओ तो उसने पिज्ज़ा वगैरह मंगवाया था और इस तरह से उसने स्टूडेंट बिरयानी यहाँ की वाक़ई की बहुत ही एक स्पेशल बिरयानी है इसको स्टूडेंट बिरयानी कहते हैं और मेरे हाथ से वहाँ में जो भी रहता है ऐसा नहीं हो सकता कि उसने ये बिरयानी ना खाई हो ये बच्चों बड़ों सब में एक जैसी ही मकबूल है बहुत स्पेशली इसकी टेस्टी होती है और जो सबसे अच्छी बात इसमें होती है वो इसका शामी कबाब होता है ये बहुत ही स्पेशल शामी कबाब होता है तो यहाँ पे सारे हम लोग इन्जॉय कर रहे थे और जो भाई ने भी जाना था नेक्स्ट डे तो इस वजह से जो है रिदा ने प्लान किया था कि नहीं नहीं आप लोग फिर भी आओगे लेकिन फिर भाई चले जाएंगे तो इसलिए ये आज ही करते हैं तो हमें थोड़ा लेट तक रुकना पड़ गया था हालाँकि हम लोग विलिंग नहीं थे इस चीज़ के लिए लेकिन उसने कहा कि नहीं थोड़ी देर और बैठें तो अभी जो है फिर उसने होम डिलीवरी करवा ली थी उसने घर पर बुला लिया था थोड़ा सा लाइट का इशू है यहाँ पर आपको लग रहा होगा क्योंकि पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो होती है तो ये जनरेटर पे जितनी लाइट्स ऑन हो सकती हैं उस हिसाब से लाइट्स ऑन थी और मोस्टली जो है लाइट बार बार जा रही थी जाती ही रही है बल्कि पाकिस्तान में तो इस वजह से कहीं कहीं आपको लाइट बहुत कम लग रही होगी बहरहाल जितनी बहुत अच्छी पार्टी थी रिदा अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखें और आपके रिज् रोज़ी में बरकत डालें एक्चुअली ये सारे जो इवेंट्स होते हैं ये हमेशा एक यादगार बन जाते हैं और मैं इस चीज़ की बहुत ज़्यादा होती हूँ कि जब भी हम सब इकट्ठे होते हैं तो वीडियोस वग़ैरह होनी चाहिए क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं लाइफ में जब आप इनको रिमाइंड करके इन मोमेंट्स को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है ये अम्मी की तरफ से एक और दावत थी और वही जैसे मैंने पहले मैंशन किया कि अम्मी अबू की तरफ़ जाने का मतलब है कि कच्चे से चाहे जिस टाइम भी जाओ सब मोस्टली हम लोग बिल्कुल भी बताकर नहीं गए क्योंकि मुझे पता है कि अम्मी बहुत ज़्यादा एहतमाम कर लेती हैं और फिर जो है भागम भाग सब कुछ अरेंज कर लेती हैं और फिर बच्चों जो है वो फ़ौर फ़ौर कुकिंग कर लेती हैं वो तो इतना कुछ बनाने के लिए तैयार थी और बैठी हुई थी मैंने उनको मना किया कि नहीं बच्चे भी आप देखती हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है तो इसलिए आप ऐसा ना करें लेकिन फिर भी ना ना करते बहुत ज़्यादा एहतमाम कर लिया था तो यहाँ पे अमल साहिबा जो है अभी जागी हुई थी और थोड़ा सा जो है इनका मूड स्पॉइल हुआ हुआ था और चलें फिर मैं अपने वाला का अखता यहीं पे करती हूँ बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए भी और अच्छा रहा टाइम जितना भी टाइम रहा फ़िफ्टीन डेज़ से बिल्कुल भी पता नहीं चला कि किस तरह से ऐसे लगता है कि पर लगा के उड़ गए ऐसे हम लोग लोगे और ऐसे वापस आ गए और सब बहुत ज़्यादा मेरे इन लॉज़ भी और मेरे अपने पेरेंट्स और मेरे बहन भाई भी कह रहे थे कि बिल्कुल पता ही नहीं चला और किस तरह से दिन गुज़र गए बस जल्दी जल्दी कभी यहाँ पर एक दो घंटे के लिए अम्मी की तरफ़ हम लोग आते थे और फिर वापस जाना पड़ता था क्योंकि वहाँ पे भी मेहमान वगैरह आते जाते रहते थे लेकिन जितना भी टाइम गुज़रा बहुत अच्छा गुजरा सब ने बहुत अच्छे से वेलकम भी किया और जितना सबसे हो सका मेरी बहनें भी फ़ौरन फ़ौरन आ जाती थी क्योंकि इतने कम टाइम में मुश्किल होता है कि सबकी तरफ़ जाना तो मैं अपनी सिस्टर्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा सकी जो कि मुझे इस चीज़ का था कि मैं उनके घर भी जाऊँ लेकिन इन नेक्स्ट टाइम और जो है लेकिन उन्होंने अपनी तरफ़ से मेरे इस टाइम को बहुत यादगार बनाया मेरे बच्चों के लिए मेरे लिए मेरे हस्बैंड के लिए तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन खुश रहें हमेशा और मेरी दुआएं और मेरी फैमिली की दुआएं आप सबके साथ हैं और हर चाहे वो ईद का दिन हो या चाहे कोई भी दिन हो हम यकीन आप लोगों को मिस करते हैं तो चलिए अपने ब्लॉग का अख्ताम करती हूँ अल्लाह हाफिज़ अस्सलामुअलैकुम फ़ी अमानल्लाह